ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करेंगे सागर की, जहां कोरोना काल में चाना टोरिया सिद्धगुवा गांव में चल रहे जय माता दी कोचिंग सेंटर और हायर सेकेंडरी स्कूल पर बहेरिया पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई की, जहां स्कूल संचालक द्वारा तकरीबन 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने जब कार्रवाई की तब भी एक शिफ्ट में 50 बच्चे मौजूद थे। जहां पर स्कूल संचालित हो रहा है वहां से 10 कदम की दूरी पर शासकीय मिडिल स्कूल भी है, लेकिन किसी शासकीय शिक्षक को इसकी जानकारी नहीं लगी। वहीं सूत्रों की माने तो स्कूल के शिक्षक द्वारा 12वीं के करीब 25 और 9वीं 10वीं के 30 बच्चों के एडमिशन भी किए गए। वहीं सागर एसडीएम ने मामले पर डीओ से जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले पर एफआईआर कराने की बात कही है। कलेक्टर साहब के आदेश है, उनका उल्लंघन है 86 का, कोरोना संबंधी जो महामारी चल रही है उल्लंघन, उसके बचाव के लिए इनकी पूर्व कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कितनी संख्या जो है बच्ची वापसी है, बच्चे मतलब 12वीं कक्षा से इनके द्वारा एक स्कूल भी चलाई जा रही है जो अभी तक फर्जी है, मतलब इनके लिए मान्यता नहीं मिली है, क्या कहेंगे? इसमें संबंध में जानकारी नहीं है,